अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपीज, आलू गोश। ये बड़ा गोश है, ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह से गोल बोटी का कट्टे का गोश्त है, और इसका हम बहुत ही मज़ेदार सालन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1.25 किलो गोश्त है, 1.25 किलो हमने गोश्त लिया है। तो इसको हमने इतनी बोटी करवा ली थी, सारा गोल बोटी, बीच में कहीं कहीं हड्डी है, ये देखें हड्डी वाला चर्बी भी है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 पाव आलू, ये मसाले हैं कुछ, और साथ साथ हम बताएंगे ये प्याज, लहसुन देखें कितना मोटा, इसलिए हमने ये 4 ही तुरियां ली हैं। अदरक हम कूट के डालेंगे, ये गलता नहीं है, और इसको हम प्रेशर में पकाएंगे। चलें जी, गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब इसको हम प्रेशर में डाल देते हैं। ये प्रेशर से गल जाएंगी। अदरक को मैंने इस तरह से कूट लिया दोरी में, अब इसको भी हम डाल देते हैं। 1 चम्मच बन गया ये। इसमें हम 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। चलें जी, 3 ग्लास हमने पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसने ये मसाले रोज़ की तरह, ये दड़ा मिर्च, 1.5 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, हसबे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच खुशक धनिया और 1/2 चम्मच सुरख मिर्च है। ये मसाले अब इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें 1 चम्मच मिक्स मसाला है, खड़ा मसाला, ये इसमें हम डाल रहे हैं। 3 बड़ी इलायची हैं, ज़ीरा और काली मिर्चें, मिक्स मसाले हैं, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे गोश्त की खुशबू बहुत डबल हो जाएगी। मसाले सारे ऐड कर दिए, अब प्रेशर को हम बंद कर देते हैं। जी, प्रेशर को मैंने बंद कर दिए, अब हम इसको 20 मिनट का टाइम देते हैं। 20 मिनट बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें हमने प्रेशर ओपन कर दिया है और गोश्त हमारा माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गल चुका है। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदर टमाटर लिए, रेड रेड सुरख, बड़े मज़े के खट्टे मीठे, ये अब हम इसमें हमने ऐड कर दिए। अब हमने इसमें आलू ऐड करने हैं, घी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमने इसको मिक्स भी कर दिया है और अच्छी तरह से इसको अब हम भूनेंगे आलू ताकि हमारे गल जाए। जी ये देखें मैंने मसाला अच्छे से भून लिया, अच्छे से कोई कसर नहीं छोड़ी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा भुना है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमने शोरबे वाले बनाने हैं, तो थोड़ा सा शोरबा तो चाहिए, तो 1 गिलास डाला है। हमें शोरबे वाले आलू गोश्त बनाने हैं, इसलिए 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इस पानी को हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएं, जो आलू की थोड़ी सी हमारी कसर रह गई है ताकि वो भी गल जाए। बाकी इतना ही बस पानी डालना है हमने, और ज़्यादा नहीं, इसी में हमारे आलू वगैरह हो जाएंगे। चलें जी व्यूअर्स, हमारा आलू गोश्त जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़े का, टेस्टी टेस्टी, यम्मी, क्रेज़ी क्रेज़ी बना है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अभी इसका मैंने ढक्कन उठाया है तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी मज़े की, कमाल की खुशबू आ रही है इसमें, बहुत ही मज़े की। ये देखें कितना मज़े का हमारा टेस्टी आलू गोश्त बना है जी माशाल्लाह से। ये देखें मैं आपको डिश हुआ है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कितना मज़े का। ये देखें आलू गोश्त बन के रेडी हुआ है। जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, अच्छे से कमेंट करना है, और आपने बताना है ये वीडियो कैसी लगी आपको, मेरा आलू गोश्त कैसा लगा है। मेरा तो देखते ही मुँह में पानी आ गया है, मैं तो काटे जा रही हूँ, तो बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह से। आप भी ऐसा ज़रूर एक दफ़ा बनाएँ।
Thank you.